हम दो हमारे दो इस नारे को खत्म करके, हम दो हमारे पास हमारे चार इस नारे को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे, हम दो हमारे दो, ये कांग्रेसी मानसिकता की नीति जो भारत में जन्म ली और जिसके माध्यम से हिंदुओं की घटती जनसंख्या और मजहबी आतंकवादियों की बढ़ती जनसंख्या पूरे विश्व के लिए आज चिंता का विषय बना हुआ है। तीन बच्चे नहीं, मैं तो ये कहता हूँ चार बच्चे पैदा करें। साथ ही श्रीमान मोहन भागवत जी ने जो कहा है हमारे सनातन हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम दो हमारे दो इस नारे को ख़त्म करके, हम दो हमारे पास हमारे चार इस नारे को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे और एक करेंगे तो अनेक रहेंगे, नेक रहेंगे चाहे कटेंगे तो बटेंगे। इसलिए मैं सभी सनातन धर्म प्रेमी महानुभावों से आह्वान करता हूं कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की आप सभी सनातन धर्म प्रेमी महानुभाव कोशिश करें। माननीय श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि अब हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करना चाहिए, अत्यंत उचित है और इसको सर्व हिंदू समाज को फॉलो करना चाहिए। हम दो हमारे दो, ये कांग्रेसी मानसिकता की नीति जो भारत में जन्म ली और जिसके माध्यम से हिंदुओं की घटती जनसंख्या और मजहबी आतंकवादियों की बढ़ती जनसंख्या पूरे विश्व के लिए आज चिंता का विषय बना हुआ है। जिहाद और फतवा को जन्म दे रहा है, हलाल और हलाला का उत्पीड़न पूरे देश में सुनाई दे रहा है। इसको अब रोका जाना चाहिए और ये तब रुकेगा जब हिंदू समाज संगठित होगा, मजबूत होगा और कम से कम तीन बच्चों को जन्म देगा। एक हिंदू की जिम्मेदारी है वो तीन बच्चों को जन्म दे और भारत में एक सुंदर वातावरण को पैदा करे, अन्यथा एक चच्चा, उनके चार चच्ची, 40 बच्चों के नीति से पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। जिहाद और फतवे के इस्लामीकरण में भारत दमन का शिकार हो जाएगा। माननीय भागवत श्री मोहन भागवत जी के बयान का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और संपूर्ण हिंदुओं से आवाहन करता हूं कि अब वो संगठित होकर ही कोई कार्य करें, क्योंकि संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है। ये बहुत अच्छा काम मोहन भागवत जी ने, और हम सभी सनातनियों को जागरूक होना चाहिए। हमारी जनसंख्या नियंत्रण लगा करके लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं और हमारा जो जनसंख्या कम होती जा रही है और ऐसा लगता है ऐसे चलता रहा, यदि हम लोग नहीं सचेत हुए तो हमारा सनातन खतरे में है। इसलिए सब लोगों को जो भी मोहन भागवत जी ने कहा है उसको सिरोधार्य करते हुए अवश्य तीन बच्चे नहीं, मैं तो ये कहता हूँ चार बच्चे पैदा करें। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए एक बच्चे की उपलब्धि जरूरी है और जब तक हम आत्मसमर्पण करके धर्म के लिए आगे नहीं आएंगे हमारा सनातन धर्म खतरे में है। इसलिए सभी से मेरी यही अपील है कि मोहन भागवत जी की बात को सिरोधार्य करते हुए जनसंख्या नियंत्रण पर हटा करके अवश्य चार चार बच्चे हर सनातनी को पैदा करने चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।